हेलो स्टूडेंट्स आज हम बात करते हैं अपने चैप्टर सेकंड एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में अपने नेक्स्ट टॉपिक की जो कि है प्लास्टर ऑफ पेरिस विच इज़ आल्सो नोन एज पीओपी एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्लास्टर ऑफ पेरिस और पीओपी, हैज़ द केमिकल फॉर्मूला सी ए एस ओ फोर डॉट वन बाई टू एच टू ओ Means calcium sulfate which contain half water molecule. Or after taking the LCM, we can rewrite the formula as 2CASO4 containing one water molecule. So out of these chemical formulae, we can use any one or for the competitive examination we have to see which formula is given both are correct so after that we have preparation in the preparation of plaster of paris we have given the reactant gypsum the plaster of paris will be prepared with the help of gypsum and gypsum has the chemical formula caso4 and it contains two water molecule when we will heat gypsum at exact 373 kelvin we have to see this thing the temperature should not be more than 373 kelvin then we will get plaster of paris by the removal of water molecule but द टेम्परेचर बिकम हाइयर दैन थ्री सेवनटी थ्री कैलविन द जिप्सम डायरेक्टली कन्वर्ट इन टू अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट विच इज ऑल्सो नोन एज डेड बर्न प्लास्टर ठीक है हमने कहा कि जिप्सम है जिसके पास टू वॉटर मोलिक्यूल हैं और यहां पर हमारा वर्क है टेम्परेचर मेंटेन करके रखना थ्री सेवनटी थ्री कैलविन पर अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया थ्री सेवेंटी थ्री कैलविन से तो प्लास्टर ऑफ पैरिस बनने की बजाय हमारे पास क्या बन जाएगा सी ए एस ओ फोर कैल्शियम सल्फेट बनेगा जहां से सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे एंड दिस इज नॉन एज डेड बर्नड प्लास्टर जो कि पीओपी जैसी प्रॉपर्टीज शो नहीं करता आफ्टर दैट वी हैव यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पैरिस सो फर्स्ट वन इज फॉर मेकिंग मॉल्ड्स एंड डिज़ाइंस काफ़ी सारे मॉल्ड्स बनाने के लिए स्टैचूज में भी हम क्या करते हैं प्लास्टर ऑफ पैरिस का यूज़ करते हैं या रूफ्स में हमने देखा होगा अपने घरों में जो रूफ्स के ऊपर डिज़ाइन बने होते हैं वहाँ पर भी प्लास्टर ऑफ पैरिस का यूज़ किया जाता है सेकेंडली इन सर्जिकल बैंडेजेस फॉर सेटिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बॉन्स डॉक्टर यूज़ करते हैं अभी इस टॉपिक को हम एक्सप्लेनेशन में भी पढ़ेंगे पूरा एक्सप्लेन के साथ कि क्या होगा या किस तरह से सेटिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बॉन्स किया जाता है एंड थर्ड वन इज़ फॉर मेकिंग फायर प्रूफिंग मटेरियल्स फायर प्रूफिंग मटेरियल्स बनाने के लिए भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूज़ करते हैं सेटिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बॉन्स तो सेटिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बॉन्स की बात करें तो देखा होगा कि कुछ पेशेंट होते हैं जिनका जो बॉन्स होती हैं वो ब्रेक हो जाती हैं तो प्लास्टर लगा देखा होगा उनको तो वो फ्रैक्चर्ड बोन्स को किस तरह से सेट किया जाता है डॉक्टर क्या करता है सबसे पहले जो फ्रैक्चर्ड बोन होती है उसको स्ट्रेट करता है ठीक है ताकि ब्रोकन पार्ट का जो बोन हो वो क्या हो स्ट्रेट हो जाए उसके बाद वो उसके ऊपर बैंडेज के साथ में पीओपी अप्लाई पी करता है प्लास्ट्रोपेरिस के साथ बैंडेज जो है वहाँ पर अप्लाई किया जाता है एंड आफ्टर कैल्सिफिकेशन ठीक है एक प्रोसेस है कैल्सिफिकेशन जो कि क्या करता है उस गैप को धीरे धीरे फिल कर देता है ब्रोकन पार्ट में जो गैप होता है उस गैप को फिल कर देता है और इस तरह से हमारी बॉन फिर से अटैच हो जाती है सो बिफोर अप्लाइंग ऑन फ्रैक्चर्ड बॉन इट इज मेड वेट विद वाटर ठीक है इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने क्या किया उसको फ्रैक्चर्ड बॉन के ऊपर लगाने से पहले हमने उसको वेट कर दिया वाटर को अब यहां उसके लिए केमिकल रिएक्शन गिवन है कि कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम वाटर के साथ मिक्स करें देन अगेन इट इज़ कन्वर्टेड टू द जिप्सम इसका मतलब हमने जो फ्रैक्चर्ड बोन के ऊपर जो पेस्ट अप्लाई किया है वो प्लास्टर ऑफ पैरिस का पेस्ट तो है लेकिन जब उसके अंदर वाटर का एडिशन हमने करा दिया देन इट कन्वर्ट्स टू जिप्सम वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है देन विद बैंडेज इमिडिएटली स्प्रेड ऑन ब्रोकन पार्ट स्लो कैं कैल्सिफिकेशन टेक प्लेस ऑन द ब्रोकन पार्ट एंड द गैप इज़ ग्रेजुअली फिट और इस तरह से जो गैप है वो धीरे धीरे फिल हो जाता है एंड देन वी हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अभी हम एग्जाम्पल करके आए हैं प्लास्टर ऑफ पैरिस का हमने प्लास्टर ऑफ पैरिस की बात की जिप्सम की बात की जहां हमने कहा कि प्लास्टर ऑफ पैरिस में कैल्शियम सल्फेट हैज हाफ वाटर मॉलिक्यूल एंड इन केस ऑफ जिप्सम कैल्शियम सल्फेट हैज टू वाटर मॉलिक्यूल सो दीज वॉटर मॉलिक्यूल विद द सॉल्ट इज नॉन एज वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड द सेम थिंग इज एक्सप्लेन इन द डेफिनेशन that certain salts which contain definite or fixed amount of water molecule are known as hydrated salts and the molecule of water present are known as water of crystallization so if we will talk about plaster of paris or the gypsum we have this example also the first one we will talk about washing soda in case of washing soda we already discussed this in previous videos that's sodium carbonate which contains 10 water molecules. So these 10 water molecules are known as water of crystallization. Same the second one gypsum which contains 2 water molecules. These 2 water molecules are also known as water of crystallization and plaster of Paris POP. These half water molecule are known as water of crystallization. So work is to learn the, the example of those type of salts which contain a fixed uh, amount of water molecules or the water of crystallization. Once this topic came in the CBSE final examination and same we have another question that the colored salts have color. We have to learn this thing the colored salts have color due to water of crystallization. जो कलर्ड सॉल्ट होते हैं हमारे पास जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ एक कॉपर सल्फेट हमारे पास है सी यू एस ओ फोर विच कंटेन्स फाइव वाटर मॉलिक्यूल इट इज ब्ल्यू इन कलर ठीक है जो हाइड्रेटेड कॉपर सॉल्ट है हमारे पास कॉपर सल्फेट जो है उसका जो कलर है वो ब्ल्यू कलर होता है ऐसे यहाँ यहां हमने एक एग्जाम्पल चूज किया फेरस सल्फेट विच कंटेन सेवन वाटर मॉलिक्यूल इट इज ग्रीन इन कलर वेन वी विल हीट फेरासल्फेट हाइड्रेटेड फेरासल्फेट देन द रिमूवल ऑफ सेवन वाटर मॉलिक्यूल विल टेक प्लेस ये सारे के सारे वॉटर मॉलिक्यूल यहाँ से चले जाएंगे एंड इट कन्वर्ट्स टू अनहाइड्रस फेरासल्फेट एंड इट्स कलर इज वाइट कलरलेस हो गया तो क्वेश्चन क्या है द कलर्ड सॉल्टे कलर ड्यू टू वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो फेरासल्फेट का कलर था जो ग्रीन कलर था वो इन सेवन वॉटर मॉलिक्यूल्स की वजह से था जैसे ये सेवन वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो गए बिकॉज ऑफ इटिंग वो कलरलेस हो जाता है एंड व्हेन वी विल रिवर्स द प्रोसेस जैसे ही हम दोबारा से क्या करें वाटर मॉलिक्यूल्स को फेरस सल्फेट में जो कि अनहाइड्रस फॉर्म में है उसके अंदर एडिशन कराते हैं इट कन्वर्ट्स टू अगेन ग्रीन कलर सॉल्ट वो फिर से अपना जो ग्रीन कलर है उसे रिगेन कर लेता है सो दिस इज ड्यू टू द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सो इन दिस मैनर Our work is to prepare our topic for the examinations and this is the completion of our second chapter acids, bases and salts. So if you have any doubt, you can write your doubt in the comment box so that I can give a solution of your problems. Okay students, thank you.